नमस्कार, मैं आज 15 अगस्त वाले दिन की अगर बात करूं, देश आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने लग रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है आज वो देश के युवा है वो थाना चौकिया तो का खड़े हो गए, आज मजबूर हो गए, तो मामला क्या है वो ये बताने का काम करेंगे जी। नमस्ते, को बताओ मामला। मेरा नाम शुभम मत्री है जी। अच्छा, बेरोजगारी बहुत बड़ी हो रही है। हमने एक एड देखी थी टीवी पे, सारे टीवी पे ऑनलाइन देखी, सारे ग्रुप ने 5-5 रुपये के ड्रेस के पर्ची कटा दी। वो था जी एक ठग, जो जी कई जगह ठगी कर रहा था जयपुर में दिल्ली में, वो जी सारे ने 5-5 रुपये दे दिया, वो फ्रॉड करके लागे पास जाने, फिर इन्हें दो ने पकड़ा जी, आंट फिर ने आदि चोट लागिन गए। क्या मामला, पूरा मामला समझाओ, आप जुड़े हो। सर, इन्होंने हमें जॉब दी थी, 5-5 हजार रूपए लिया हमसे ड्रेस के लिए। अच्छा, ड्रेस के लिए पहले 5 हजार रूपए लेंगे हम। अच्छा, वो बाद में एक महीने के बाद वापस आ जाएंगे। अच्छा, तो हमने सर सभी ने 5-5 हजार रूपए दे दिए ड्रेस के, तो सर अभी पता चला कि ये फ्रॉड है। तो सारे आप दिवाड़ी से या नहीं, हम दिवाड़ी से, अलग अलग गाँव से भी है सर, बेरोजगार बालक है। मैं थोड़ा मदद, मेरा नरम दिल है, मैंने उनकी मदद करके 2000 रुपये और जमा करा दो बड़का। अच्छा, मैं 40 हजार रुपये कट दूँ। बड़ी मुश्किल से पकड़ा सर, मैं यहीं से जीत वाली जोड़ से। अच्छा, आपने 5 हजार दिए थे। हाँ जी, कंपनी में आप लगे थे कंपनी में। हाँ जी, हमने 1 तारीख से ज्वाइनिंग हुई है मेरी, आज 15 तारीख हो गई। यहीं पे आई थी सर, अभी तो कहीं भी नहीं थी। अभी तो जो ये हमें मतलब ये बोले भैया तुमको डिस्ट्रिक्ट जाना है, गुड़गांव गए, फरीदाबाद, चंडीगढ़, हर जगह गए सर, हम अपनी जेब से खर्चा वगैरह करके। ये बोले भाई एक बार तुम अपने पैसे दे लो, मतलब 5-5 रुपए जितने भी बंदे दिख रहे हैं सब ने दिए 5-5 हजार रुपए। जितनी बार जितने जिले में गए हैं सारा खर्चा जी मैंने भाई ने ठहरा। क्या जी आप बताओ, यो हम कहाँ से देंगे जी? खर्चा भी मेरा खर्चा, हम ब्याज तो उठा के लेके आए खर्चा, मतलब खाना पीना किया, गाड़ी में तेल गिरवाया, अब कहाँ से देंगे जी? 5 हजार बच्चों का फ्रॉड है ये जी, 100 है जी। हाँ जी है, इतने बंदे सबके 5-5 हजार रुपए ले रखे है जी। किया हम लोगों ने पूरी भिवानी का सर्वे किया, हर जगह हमने हर जगह की हर शॉप से कोटेशन ली है हमने। इसमें पता है क्या, एक चीज और थी, जैसे कि मैंने खुद ने 1 तारीख को ज्वाइन की दी है, मेरे को एक ऐड मिली थी, ये अभी 1 तारीख को, अभी अगस्त वाली 1 तारीख को मैंने ज्वाइन की थी, तो ना वहाँ काफी बंदे थे, तो ज्वाइन करने के बाद में इन्होंने हमको, मैं बोला कि सर इंटरव्यू लिया कि सर जॉब क्या है, इन्होंने जॉब के बारे में, मेरे जॉब के बारे में बताया कि हमें एक विवाह सम्मेलन ऐप लॉन्च कर रहे हैं, विवाह सम्मेलन एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं जिसमें गरीब बच्चों की और फैमिली वालों की शादी करेंगे, उसमें फर्नीचर का सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सब सामान होगा उसमें, ठीक है, और यानी कि मार्केट की, बाजार की जो भीड़ है ना उसको खत्म करेंगे। तो उनको बच्चों को, इन्होंने बच्चों को बोला गया कि आप मार्केटिंग करो, फर्नीचर वाली दुकान पे जाओ, डीजे वाली पे जाओ, उन दुकानों पे से जाके उनका कॉन्टेक्ट नंबर लेके आओ, यानी कि उनके बारे में जानकारी लोगे, वो क्या सामान देगा। तो बच्चों ने ना, और एक बंदे को 475 रुपए मिलेंगे एक दुकान के, और फर्नीचर की दुकान पे जाओगे 1000 रुपए। तो सभी बच्चों ने कम से कम 3 दिन फील्ड में काम किया, तो ज्वाइनिंग की थी तब इन्होंने कुछ नहीं बोला था। तो सर मेरे को ना इन्होंने ये बोला 3 दिन बाद में कि आपको 5 हजार रुपए ड्रेस की सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ेगी। मैं बोला कि सर 5 हजार रुपए की चीज के, तो इन्होंने ना, तो मैंने इनको ऑब्जेक्शन उठाया इनके ऊपर कि आप कंपनी में जॉब कर रहे, कंपनी है आपकी, तो आपका, मैं इनको कंपनी का एड्रेस दो। तो इन्होंने एक जयपुर में कंपनी बता रहे हैं, हमारी कंपनी में हेड ऑफिस है, तो इन्होंने जयपुर का एक होटल का एड्रेस दिया कि यहाँ हेड ऑफिस है हमारा। तो मैंने ऑब्जेक्शन उठाया कि कोई भी कंपनी है तो उनका एक हेड ऑफिस होता है, एक ठैया ठिकाना होता है, तो होटल में कुछ नहीं होता है। तो इन्होंने ये बात नहीं मानी, तो ये बोले कि 5 हजार रुपये। मैंने सब बच्चों को मना भी किया, भी कुछ भी किया, तो इन्होंने क्या किया, तो मेरे को खुद पर्सनली ये बोला कि विक्रम जी, मेरा विक्रम नाम है, विक्रम जी आपको पैसे मत दे देना, आपकी सैलरी आए तब 5 हजार रुपये दे देना। मैं बोला सर मैं ज्वाइन नहीं कर रहा, ठीक है, तो मैं बोला जो हमारा फील्ड का काम बना है 500 रुपये 1000 रुपये दे, दिन इनकी दाढ़ी होते ना वो हमारे दाढ़ी दे दो, हमने बाइक का तेल भी जलाया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक फर्जी पर्ची छपवाई जो 5 हजार रुपये की कोटेशन की, तो इन्होंने क्या किया 5 हजार रुपये की पर्ची काटी, ग्रुप में डाल दी, 5-6 लड़कियों ने कर लिया, जो पुराने ग्रुप के बंदे थे ना जो 1 तारीख से 23 तारीख से, उन्होंने सबने छोड़ दी। तो एक ये लड़का है जे, एक मंजीत, 4 बंदे थे, हमको चारों को बाहर कर दिया। मेरे को पर्सनली मैसेज करके ये बोला गया था कि विक्रम सर आप मत आना, 5 हजार दिए थे, नहीं दिए थे मैंने, मेरे से पहले छुटवा ली थी। 5 हजार आपने दिए थे? नो सर, मैंने तो पकड़वाया सर, मैं पकड़वाया, हमने 5 हजार दिए थे।
हमने 5 साल दिए सर, भिवानी से। क्या करते आप? कुछ नहीं करते हम तो। आपको कैसे पता चला कि इधर जॉब है? दैनिक भास्कर न्यूज में आया। हाँ, दैनिक भास्कर न्यूज में आया। अच्छा, भास्कर में ऐड आई थी? हाँ जी सर। तो कोई आप मछली वगैरह थी जो ये गुजरात की फोटो है जी, ये गुजरात पकड़ा गया था। पहले ये गुजरात फ्रॉड किया इसने, गुजरात पकड़ा गया, फिर ये सोचा कि मैं मतलब हरियाणा में जाके कर लूं, तो ये आप ये यहाँ पकड़ा गया। पहले इसने गुजरात फ्रॉड किया ये। अच्छा, ये आया हुआ है? हाँ जी। ये देख लो सर, भास्कर में इसकी न्यूज भी आई हुई है। हाँ जी, ये देख पकड़ा हुआ है पहले। अच्छा, नहीं भास्कर में इसकी न्यूज आई, भास्कर में इसकी ऐड आई थी। जोन के आई इसलिए अपना आई किया हुआ है सर, नाम भी वही है इनका, जो यहाँ पे नाम है वही नाम है। अच्छा, इसमें ये देखो सर, हमेशा भी नहीं पर्ची, 5,000 रुपए की पर्ची हमारी है। तो आप अभी लगे थे, पहले से लगे? हमारी 1 तारीख से ज्वाइनिंग है सर। 1 तारीख जब ये हाँ जी, अब हमारे 15 दिन हो गए थे आज। अच्छा, हाँ जी। तो पापा जब आप दे बैठे हो? सर हम ये चाहते हैं, उपली न्यूज दे रखी थी, और ये पूरा जयपुर का कांड 2022 से जो चल रहा था, 1/5/2022 से पूरा जहाँ जहाँ उनकी कार्रवाई हुई, क्या प्रोडक्ट देते थे जो यहाँ पे देते, ये प्रॉपरली जो वहाँ का जो न्यूज चैनल है। अच्छा, न्यूज चैनल है? न्यूज चैनल पे मेरी उनसे बात भी हुई थी, तो प्रॉपरली वो कह रहे थे कि टोटली ये फ्रॉड है। अच्छा, ये 2022 में यहाँ पे इनके ऊपर कार्रवाई भी हुई थी, 420 का मामला दर्ज हुआ था, वहाँ के जो पुलिस थाने थे प्रॉपरली इनके ऊपर केस हुआ था, लेकिन वहाँ से 2022 के बाद ये पता नहीं कैसे क्या कुछ रिलीज हुए वहाँ से, कुछ नहीं पता। अब उनसे बात हुई मेरी, आज ही बात हुई थी न्यूज चैनल वालों से, तो कह रहे थे कि भाई यहाँ पे जो कांड हुआ था 2022 में होता, लेकिन जो छानबीन के दौरान मिला था वो टोटल फ्रॉड मिला था। अच्छा, तो ये आज पकड़ा कैसे? आज ये पकड़ा कैसे गया है कि जो ये न्यूज वगैरह जो वायरल हुई थी ना ये, क्योंकि ग्रुप में ये चीजें वायरल हो गई थी, वायरल होने के बाद क्योंकि सर ठीक है, कन्यादान सेवा संस्थान ठीक है, फ्रॉड न्यू दिल्ली, ये टाइप कर दो सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। अरे सर मतलब सारे पकड़ा कैसे आप लोग? ये पकड़ा कैसे गया जी, जैसे आज क्या है न्यूज, जैसे ये ना वायरल हुई थी ग्रुपों में, वायरल होगी कि भाई ऐसे बंदा है फ्रॉड है, तो आज इनसे मीटिंग भी हुई थी इस दौरान ऑफिस के अंदर कि भाई ये क्या चीज है, तो वहाँ पे कि जिन लोगों ने पैसे दे रखा था वो सर अपना पैसा रिफंड चाहेगा क्योंकि जो फ्रॉड देख रहा है, तो पैसा रिफंड के नाम पे उन्होंने वहाँ पे बात चीजें करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन थोड़ा थोड़ा होते होते वो वहाँ से निकलना स्टार्ट हो गया। अच्छा। निकलने का मतलब ये था कि भाई ये कोई बात अपना एडजस्टमेंट करते हो कुछ भी करते हो, लेकिन वो प्रॉपरली वहाँ से भाग चुके थे अपने नए बाजार में, इन्होंने अपना ऑफिस बना रखा था भिवानी के अंदर, नए बाजार के अंदर जो अपना फुल्लो वाला चौक होता है नियर बाई अपना स्टार फर्नीचर वाला, वहाँ पे इनका ऑफिस था, तो वहाँ से फ्रॉड हो गए, वहाँ पे भाग गए, लेकिन बच्चों ने क्या किया, अब टोल प्लाजा पे भी गए, हाथों नए बस स्टैंड पे भी गए, भिवानी में छानबीन स्टार्ट कर दी, और कुछ हमारी जो बहन जी थी पता कैसे चला कि वो फ्रॉड है? आज सर मैं एक्चुअली मेरे दोस्त के पास गया हुआ था, मेरे दोस्त के पास गया हुआ था, मिनी बाईपास में उसका शोरूम है जी, मैंने वो मेरे तीन फ्रॉड जी, मैं आपके पास क्या सबूत, उन्होंने मेरे सबूत दिखाया जी, सारी डिटेल लिख डाई, फिर मैंने जी ग्रुप में मनजीत के पास व्हाट्सएप पे दी वो फोटो भेज दी, फिर जो सारा सेंड कर दी, ज्यादा दिन सारा ने मेरा बैठ गया, एक नंबर फ्रॉड और लुच्चा आदमी है जी। अब नाम लेना, गूगल पे सर्च करके देखा है 2022 के अंदर इसने दिल्ली के अंदर कांड कर रखा है, ये था वो हां छपवा रखा है, ये छपवा रखा है, ये ऐड आई थी, हां ये ग्रुप से आई थी, ऐड ग्रुप से आई थी, मास्क में आई थी, सीएससी इस ग्रुप से ऐड थी, दिल्ली के अंदर कांड किया। तो अंदर क्या सर हम ये चाहते हैं, सारे गरीब इंसान है जिन जिन ने जितने जितने पैसे दे रखे, काम किया जितने दिन, वो लोगों ने पैसे दिए हैं 50 लोगों का। हाँ जी, तो अब आप अगली कार्रवाई क्या चाहेंगे? थोड़ा पीछे यही है की सब एप्लीकेशन देंगे, कोई अप्लीकेशन, पहला प्रोसेस तो है हमारा की अप्लीकेशन पुलिस में दर्ज हो केस। अच्छा। क्योंकि 420 का, और जिन बच्चों का जो पैसा लगा हुआ है वो प्रॉपरली तरह से रिफंड हो जी, और जो काम जो इन्होंने काम कर रखा है। आइयो सर, अभी हमें नहीं पता, अब मैं अंदर जाके पूछना काम करूंगा कि किस किस प्रकार का ये फ्रॉड है। ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो अब अधिकारी को देने का काम करेंगे, और मैं पूछना काम करूंगा कि सर क्या क्या कार्रवाई की जाएगी।
बच्चे, क्या नाम है बेटा अपना? मेरा नाम निशांग। निशा बेटा कहाँ से आती है? मैं यही हनुमानदानी से आती हूँ। हनुमानदानी से आती है, तो क्या कितना पढ़े हो आप? मैं फिलहाल बीए फाइनल ईयर चल रही है। बीए फाइनल ईयर पढ़ रहे हैं जी। तो जॉब के लिए आपने ट्राई किया था जी, तो आपने कितने दिन काम किया इस कंपनी में? मैं वैसे 27 तारीख को मेरे यहाँ पे रिज्यूम आ गया था और मैंने 5-6 तारीख तक यहाँ पे काम किया है सर। तो आपने क्या क्या काम किया बच्चे? मैंने फील्ड का भी किया सर। फील्ड में जैसे दुकानों पे जाके फर्नीचर इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाके उनसे कोटेशन लिया, उनके डिटेल्स जानी है, उनका नंबर लिया है, सब कुछ लिया सर हमने। उन्होंने पूछा ना दुकानदारों ने कि आप हमारी डिटेल क्यों ले रहे हो? जैसे उन्होंने बता दिया कि विवाह सम्मेलन नाम से हमारा एक खुद का ऐप है। अच्छा। उसमें हम है ना, हमारे पास ऑलरेडी 4000 कस्टमर जमा है जिसमें हमें सिर्फ सामान की जरूरत है। तो जैसे फर्नीचर इलेक्ट्रॉनिक जो दहेज में हम देते हैं जरूरत उसको। तो लगभग आप कितने दुकानदारों नंबर लेके आए? मैं तो सर फिलहाल 5 का लेके आई थी और बाकी काफी बच्चों ने बहुत ज्यादा ज्यादा दिया था दुकानदार से या वैसे नाम नंबर लिख के दिया? सर नंबर और कार्ड नंबर कोटेशन सारी डिटेल्स वगैरह सब आई। दुकान वालों ने इस कारण से दिया था सर कार्ड भी, क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि हम आपका सेल करवाएंगे सामान। सामान सेल करवाएंगे? हाँ, उस कारण से दे रहे थे सभी शॉप वाले। अच्छा, पहले तो सर जैसे 10 दिन की ट्रेनिंग बताई थी। क्या नाम आपका? मेरा विशाखा। विशाखा, ऐसा तो नहीं है कभी आप लोगों को कोई गलतफहमी होगी हो, कंपनी अच्छी हो और आप लोगों को कोई माइंड में कोई गलत बात से शक होगी हो? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर। अगर ये मान लो, अगर ये मांगे हैं इनका नाम, अगर ये सही होते तो सर ये भागते क्यों? सर ये भाग गए थे, एक महिला उसके हाथ से पकड़ा है, छत से कूद किसी की लैट्रिन में पड़ गए थे सर। ये भागना तो अच्छा लगता है ना, भीड़ को मार पीट सकती है। नहीं नहीं सर, किसी ने कोई मारपीट नहीं की। नहीं सर। अच्छा, हम तो सिर्फ ये बोल रहे थे सर कि हमारा हिसाब कर दो, जो जितने दिन हम आए हैं ना उतने दिन के पैसे दे दो हमारे को। तो आप लोगों को पता अभी चला निकाली थी जो भी हमारे बॉयज काम कर रहे हैं सब, सबने मतलब डिटेल निकाली थी 3-4 दिन फिर सर सुबह हमारे ग्रुप में शेयर किया था इस चीज को। सर सुबह हम आए ना, मतलब कि हमने दिखाया उन सर ने, जितेंद्र सर ने, कि भाई आपकी ऐसे ऐसे फोटो है दो जगह से, जयपुर और दिल्ली से थी, भाई आपने फ्रॉड कर रखा है। तो इन्होंने ऐसे बोला कि वहाँ से मैं बाकायदा बरी हूँ, उस केस से क्लियर है। तो ये सर बोले कि आप यहाँ पे 5-5 हज़ार रुपये हमारा हिसाब कर दो, आप क्यों ले रहे हो हमारे वापस दो। तो फिर वहां से उठ के और ये सर भाग गए, फिर पीछे पीछे लेडीज भी चली गई। कितने बताया आप लोगों को? 15,000 बताई थी सर। और जैसे ये भी कह रहे थे 6 महीने बाद 5-5 हज़ार बढ़ते भी जाएंगे, बढ़ा देंगे। हाँ जी सर। और आप सभी पढ़े लिखे बच्चे हैं, तो क्या आपको लगता है कि 15,000 रुपए तनख्वाह देने वाला व्यक्ति 6 महीने बाद, 6 महीने बाद आपकी जो तनख्वाह 5,000 और बढ़ा देगा? सर इसीलिए तो हमारी को डाउट हो गया था, डाउट होने लगा सर। हाँ जी, इन्होंने ये बोला कि हम आपको एक शॉप के 475 रुपए देंगे एक्स्ट्रा। हाँ जी, मान लो हमने 10 इंसेंटिव अलग और काम किया अलग। काम किया इंसेंटिव। अच्छा, फिर इन्होंने हमारे को बोला कि 10 तारीख को आपको पे आ जाएगी, जो जो जॉब छोड़ रहे हैं। अच्छा। सर 10 तारीख को कोई पे नहीं आई हमारी। अच्छा। हाँ जी सर, फिर हम आज आई थी, 20 तारीख तक वेट करते रहे। हाँ जी, इंसेंटिव आएगी। तो हम आज आए ना सर, 10 बंदे थे हम ग्रुप में, तो बोला कि आपको कल मिलेंगे पैसे। अच्छा। हाँ, जो ऊपर जो स्टाफ बैठा था जो 50 व्यक्ति से पैसे लिए या किसी और से भी ज्यादा लिए होंगे? नहीं सर, सबसे जिसको इंटरेस्ट था सर, जो भी जॉब करना चाहते हो, जिसको जरूरत थी सर, वो दिए हैं 5,000। जॉब कोई हर को चाहेगा? हाँ बिल्कुल सर, अब जिसको ज्यादा मजबूरी हो सर वो तो देगा ही। क्या है सर? प्रिया अभी सर सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में? हाँ जी। बता, बच्चे ही सर, हमें साथ बच्ची का इतना हौसला है कि मैं माँ बाप के साथ में हाथ ही बटाऊँ, काम भी कर लूँ और पढ़ाई भी कर लूँ। अब इनका जज्बे को सलाम है, अब ये सारे काम सिद्ध और सही है। अब इनको क्या पता जिस कंपनी में लगने जा रहे वो फ्रॉड कर देगी, वो जो 5-5 हज़ार रुपये घर वालों से मांग के काम चलाना पड़ता है वो भी कहीं ना। और पापा क्या काम करते हैं? किसी के पेरेंट्स देने के लिए कंपनी में काम करते हैं, मिल की कंपनी। सर किसी के पेरेंट्स देने के लिए 5,000 रुपए मतलब कि राजी नहीं थे, फिर भी बड़ी मुश्किल से लेके आए थे सभी सर 5-5 हज़ार रुपए। निशा, निशा, प्रिया, प्रिया। चलो जी, ये बच्चों की बातें हैं, अब ये फ्रॉड है या सही है या कोई कारण है ये तो जी 23 के बाद पता चलेगा, क्योंकि एप्लीकेशन लिखने का काम कर रहे, अभी साइन करके देने का काम करेंगे। अब अगली कार्रवाई तो पुलिस प्रशासन करेगा, अभी इसके मामले की सही ज्ञान जांच होगी, पता चलेगा कि इन बच्चों के साथ में फ्रॉड हुआ या फिर और भी कोई ठगी का शिकार हुआ वो देखा जा सकता है शहर के अंदर। वो कह रहे थे कि भाई ऐसे ऐसे नौकरी के बहाने उनसे पैसे लिए गए,
क्या मामला था? देखो ये हमारी डायल 112 के ऊपर एक कॉल आई थी और जिस पर कॉलर ने बताया था कि भाई एक ऑफिस नया बाजार में है और उसमें एक कंपनी विवाह सम्मेलन नाम से कोई ऐप चला रहा है और उसके संबंध में उनको तो फील्ड में कार्य दिया गया, तो हमने उस बच्चों को बुलाकर यहाँ वेरीफाई किया है। उन्होंने बताया है कि जो उनका ऑनर है कि मांगेलाल शरोक बकरीलाल जयपुर का रहने वाला, उसने यहाँ पर नया वेंचर अपना इस्टेब्लिश किया है, उसको वो फील्ड में उनका काम होता है जो बच्चे रिकॉर्ड होते हैं। तो कुछ एक बच्चे कह रहे हैं कि हमने सिक्योरिटी के तौर पर कुछ रुपये लिए हैं। उन बच्चों का कंसर्न यही है कि भाई जो सिक्योरिटी के तौर पर रुपये लिए हैं वो हमारे किसी आवाज में लिए जा रहे हैं, उन्होंने अभी कन्फर्म नहीं था। मामला जो हमने वेरीफाई किया था वो ऑफिस है वो सिटी थाना के अंदर में आता है, तो हमने उसके बच्चों को सिटी थाना में भेज दिया है। जिस प्रकार की वो कंप्लेंट देंगे वेरीफिकेशन के बाद वैसे ही कार्रवाई हमने पुलिस थाना के द्वारा करेंगे। ये जो व्यक्ति इस पर पहले भी कोई मुकदमा था? तो अभी इतनी जानकारी हमें नहीं मिली है कि इस पर पहले मुकदमा था या नहीं। पेंशन थाना इसमें थोड़ी वेरीफिकेशन करके जाँच करके बदला गया। सर इस तरह के आजकल आए दिन मामले दर्ज हो रहे हैं, तो लगता है सर जांच का विषय, सर गंभीर जांच का विषय हो सकता है? सर देखो नौकरी लेने के नाम पर रुपए लिए जा रहे हैं, तो मैं इसको एक आम जन से अपील करूँगा कि आप इस तरह के जांच में ना आए। आज के टाइम में रुपए के दम पर कोई नौकरी नहीं रहती, आप अपनी पढ़ाई करें काबिलियत के दम पर नौकरी आ सकती। ये जो गिरोह बनाकर संगठित गिरोह बनाकर जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनके झांसे में ना आए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति अप्रोच करता है तो आप उसकी पहले पुलिस को सूचना दें कि हमसे ऐसे पैसों की डिमांड हो रही है, ताकि आपके पैसे ना जाए। पैसे जाने के बाद फिर लोग जागरूक होते हैं और फिर वो थाने में कंप्लेंट करते हैं, जिससे उनका पैसा अटक जाता है। तो जो गरीब आदमी है उस पर गरीब मार हो जाती है, उसको सबसे इमीडिएट रिलीफ ये होती है कि उसका पैसा वापस आ जाए। तो मेरी यही अपील है कि आप पैसे देने से पहले ही पुलिस को सूचित करें कि ऐसा गिरोह हमसे नौकरी के बदले में रुपये मांगे, ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके।